आज भी हम क्यों वट वृक्ष का पूजन करते हैं, क्यों पीपल का पूजन करते हैं, नीम बरगद आम ये सब क्यों पूजे जाते हैं? ऋषियों को संतों को शायद पता था कि भैया समय आने पर ये मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि इन्हें भी काट डालेगा। इसी कारण ऋषियों ने पहले ही परंपरा बना दी कि इनका पूजन करिए, कम से कम पूजन के बहाने से ही सही वृक्ष सुरक्षित तो रहेंगे। आज किसी भी धर्म में आप देखिए, धर्म ग्रंथ उठाकर देखिए, किसी भी धर्म में वृक्षों के पूजन का नियम नहीं है, सिवाय एक सनातन धर्म के जहां पर वृक्षों को भी पूजा जाता है, जहां पर पहाड़ों को पूजा जाता है, जहां पर गाय को पूजा जाता है, जहां पर रोगी की सेवा होती है। एक सनातन धर्म ही ऐसा है जिसने बताया कि भैया प्रकृति का संरक्षण करिए, इसका दोहन मत करिए।